लिखने का, यद्यपि मेरा स्वास्थ्य मेरे अनुकूल नहीं है, मगर यद्यपि मैंने संविधान लिख दिया तो ये समाज ताजमहल की तरह सीना ठोक के कह सकेगा मुसलमानों की तरह कि इस देश का संविधान मेरे बाप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। क्या कहते हैं उसको, मंगल सूत्र देंगे हम, साड़ी देंगे हम, अब दारू की बात नहीं करते हैं, हम तुमको लैपटॉप देंगे, हम तुमको बाइक देंगे, हम तुमको साइकिल, ये क्या सब चीजें हैं, ये सब असंवैधानिक है, ये ब्राइब है, रिश्वत है, अनैतिकता की पराकाष्ठा है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इस क्रांति को फेल करने के लिए, अभी एक बात चली थी ना, घर घर में राजनीति, देश में बहुत राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देश में पार्टियां नहीं बन रही हैं, भारत में बन रही हैं, मगर भारतवर्ष में वो समाज जिसे न्याय की जरूरत है, जो इस देश की शासक जातियों के जुल्म अत्याचारों का मारा हुआ है, उन लोगों में पार्टियां बन रही हैं, शेड्यूल कास्टों में घर घर पार्टी बन रही हैं, बैकवर्ड्स में घर घर पार्टी बन रही हैं, ये शासक जाति बड़े तरीके से चल रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना है, महाराष्ट्र में बीजेपी है, कोई इनका और कोई दल बन जाए ना, नहीं बनेगा, और वो जब वो इलेक्शन आता है ना, कहते हैं पांच उंगली बराबर नहीं होती, मगर जब खाने बैठते हैं तो पांच उंगली बराबर हो जाती हैं, तो वो सारे साल एक दूसरे को कोसेंगे, मगर जब इलेक्शन आएगा तो समझौता करके इलेक्शन जीतेंगे। तो ये जो नई नई पार्टियां बन रही हैं, ये हमारे शेड्यूल कास्टों के बीच में ये हमारी मौत की गारंटी है, ये चलन बंद होना चाहिए। अब पहले तो घर घर में संस्थाएं बन रही थी, अब घर घर में पार्टियां बन रही, कितनी पार्टियां बनाओगे? आज चाहे किसी को बात हमारी बुरी लगे, मगर समाज के हित में सबसे बड़ी बात यह है कि अपने स्थापित दलों को आप शक्ति दीजिए, आप अपने अपने मान प्रतिष्ठा के लिए नई नई पार्टी बना रहे हैं, तुम इस तुमको मिल क्या रहा है? मुझे बड़ा जानकर ताज्जुब होता है कि ये जो लोग बारिश के मेंढक की तरह निकल के आते हैं और पार्टियां बनाते हैं, किसी को 76 वोट मिल रहे हैं, किसी को 35 वोट मिल रहे हैं, किसी को 150 वोट मिल रहे हैं, क्या है ये? जबकि वो दुश्मन जानता है कि एक वोट से व्यक्ति हारता है और एक वोट से व्यक्ति जीतता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार क्यों गई? एक वोट कांशीराम जी का नहीं मिल पाया था उनको और वो सरकार गिर गई। वो एक वोट की कीमत जानते हैं और घर घर में वो हमारे लोगों के दिमागों में महत्वाकांक्षा पैदा करते हैं। तो खड़ा हो जा, तू तो बहुत बड़ा है, तुझे तो बहुत लोग जानते हैं, तू तो जीत जाएगा, हम भी तेरे लिए काम करेंगे, ले तू ये बाइक ले ले, ले तू ये कार ले ले, और उसको खड़ा कर देते हैं। वो कुछ वोट काट रहा है, कुछ किसी को चुनाव चिन्ह टमाटर मिला थोड़ा सा वो काट रहा है, किसी को गिलास का चुनाव चिन्ह मिला थोड़े से वो काट रहा है, वो बड़े तरीके से चल रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक काम जो बड़ी संजीदगी से कर रहे हैं वो ये है कि राजनीति की मट्टी प्लीत कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अरमानों को रोंद रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, हम उस सपने को चूर चूर कर रहे हैं। कोई एक नेता वर्तमान समय में मुझे बता दो जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम की राजनीति ना करता हो और दुश्मनों के साथ जाकर जो बैठ गया। आज हमारे समाज की जो अधोगति हो रही है, जो पतन हो रहा है, वो बिकाऊ नेताओं की वजह से हो रहा है। अगर ये नेता अपने समाज में होते, अपनी राजनीति में होते, तो इनका कुछ दबदबा बनता, इसका कुछ डर बनता, इसका कुछ भय बनता। आज इस देश के शासक हमारी ओर से बिल्कुल निर्भीक हैं। उन्हें पता है इनके सारे नेता तो हमने खरीद लिए हैं, इनके सारे नेता तो हमने अपने खूंटे से बांध लिए हैं, इनके सारे नेताओं की तो हमने कीमत लगा ली है, अब ये हमारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। मगर भैया नेता लोगों, एक बात सुन लो, तुम जब बीजेपी जैसी पार्टी से जुड़ते हो ना, वो आपको जोड़ने तक का काम करती है, बाकी ढोने का काम नहीं करती। उनको पता है अभी इन्होंने हमारा स्पर्श कर लिया, अभी अपने समाज के मतलब के तो रहे नहीं, क्योंकि वो जब अगर उसको पार्टी से निकाल भी देंगे या वो निकल भी जाएगा तो समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता। ये सच्चाई हमने सारी जिंदगी में भुगती है। तो वो लोग ना घर का रहता ना घाट का रहता, इस तरीके का हमारे नेताओं का चरित्र हो गया है। अब हमारे समाज को चाहिए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि 10 सरकार बनाने से मुश्किल एक समाज बनाना होता है। समाज बनाना बड़ा मुश्किल काम है, समाज बनाने के लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बड़े समर्पण करने पड़ते हैं, बड़े लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। राजनीति
तो अब राज पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, सारी दुनिया जानती है कि एक गंदगी का अड्डा बन गया है, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी अभी पता चला जेल में जाने वाला है, इसको कैद होने वाली है, अभी पता चला वो तो मुक्त हो गया, कारण क्या है कि शासक पार्टी से जाके मिल गया, ये हो रहा है, ये तो पतन की पराकाष्ठा है, नैतिक पतन की पराकाष्ठा है, ये इससे देश का निर्माण क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो देश का अगर निर्माण करना है तो बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था, उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, वो ये कहते हैं चरित्रवान बनो और विद्वान बनो, दोनों चीजें मेरे बाबा साहब के पास थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी, उनका चरित्र, और उससे बड़ी ताकत क्या थी, उनकी विद्वता। उनका चरित्र कैसा था, इस देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति उनके सामने थर्राता था, और विद्वता कैसी थी कि अपनी विद्वता के बल पर इस देश के दबे कुचले तमाम लोगों को जिनका जीवन जानवरों से भी कुत्ते बिल्लियों से भी गया गुजरा था, आज उनको शासक और मालो माल बना के चले गए, ये उनकी विद्वता का फल था। बाबा साहब कहते हैं अब चरित्र के आधार पर कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कुछ हमें दिया ना, अब कहते हैं चरित्र के बल पर दिया, कैसे दिया, उन्हों का जब दूसरा विवाह हो रहा था, विवाह के वो यद्यपि दूसरे विवाह के विरोध में थे, मगर परिस्थितियां ऐसी बनी, उनको ये लगा कि संविधान लिखने का जो जोखिम भरा काम मुझे लिखने को मिल गया है, अगर तेरे प्राण ही ना रहेंगे तो तू क्या करेगा, मगर तुझे तो समय पर रोटी तक नहीं मिलती, समय पर चाय तक नहीं मिलती, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब मुझे एक महिला की जरूरत है जो मेरे घर की देखभाल कर सके, जो मेरी देखभाल कर सके। सविता अम्बेडकर आई थी, प्रशिक्षित लंदन रिटर्न MBBS डॉक्टर थी, और बाबा साहब के पास जब उनका शादी का सिलसिला चल रहा था तो बाबा साहब ने उनको एक लेटर लिखा था, जो लेटर नानक चंद्र तुझे ने अपनी किताब में शामिल किया और हमने प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा शाहरुख, वो उनका नाम था शारदा कबीर, बाबा साहब उनको शाहरुख कहते थे, शादी के बाद उनका नाम पड़ गया सविता अम्बेडकर। उन्होंने कहा शाहरुख एक बात सुन ले तू, कि मुझसे अगर इस देश के बड़े से बड़े नेता अगर थर्राते हैं तो मेरी डिग्रियों के कारण नहीं, मेरे चरित्र के कारण, मेरा चरित्र किसी भी इनके कांग्रेसियों के नेता से ऊंचे से ऊंचा है। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कथन आज भी सत्य सिद्ध होता है। आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर पर 50 तोहमत लगाइए मगर उसकी चरित्र पर आप उंगली नहीं रख सकते। जब लोग देखते थे उनके जो एक राजनीतिक सिपे सलार थे दादा साहेब बी के गायकवाड़, उन्होंने देखा कि बाबा साहब की पत्नी की डेथ हो गई 1935 में 27 मई को, उसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर टूट गए हैं, इन्हें समय पर खाना नहीं मिलता, ये बिस्कुट और चाय खा खा कर, डबल रोटी और चाय खा खा कर अपने दिन गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा साहब आप अपने घर में कोई बाई ले आओ, कहना मुंह संभाल के बोल, मैं अगर बाई घर में ले आऊंगा, कोई औरत घर में ले आऊंगा तो इस देश का मीडिया मुझे बदनाम कर देगा, और बदनाम नेता अपने कौम का भला नहीं कर सकता। बाबा साहब के दिमाग में हर समय कौम रहती थी, अपना दबा पिछड़ा समाज रहता था, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। एक बार उन्होंने कहा कि बाबा साहब नहीं मानेंगे तो उनकी एक साली थी, पढ़ी लिखी थी, शांताबाई दानी सब जानते हैं, बहुत बड़ी बात में रिपब्लिकन लीडर बनी। उन्होंने कहा बाबा साहब एक आपसे अर्ज करनी है, बोलो क्या बोलना है, कहेगा वो जो है ना शांताबाई दानी आप उससे शादी कर लो ना, कहो बात तो तुम्हारी ठीक है, हाँ वो पढ़ी लिखी है, हाँ वो भी बात ठीक है, कहो एक बात बताओ तुम मुझको, वो मुझको क्या बोलती है, कहो आपको बाबा साहब बोलती है, कहो बाबा साहब वो मुझको बाबा साहब बोलती है और मैं उससे शादी कर लू, मैं क्या ब्रह्मा हूं। तो ब्रह्मा का मतलब जिन्होंने पुत्री से संभोग करके संतान पैदा की, तो बाबा साहब चरित्र के मामले में इतने सावधान थे, मगर फिर भी उन्होंने क्या देखा कि इस देश के जो दलित हैं, इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, इस देश के जो आदिवासी लोग हैं, ये गौरव शून्य लोग हैं, ये गर्व नहीं कर सकते किसी चीज पर, जिस तरीके से मेरे मुसलमान भाई ताजमहल को देख के, कुतुब मीनार को देख के, गोलकुंडा को देख के, हैदराबाद की चार मीनार को देख के, दिल्ली के लाल किले को देख के सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि ये मेरे पुरखों की विरासत है, हमें इन पर नाज है,
ऐसे मेरे लोग किसी चीज को देखकर नहीं कह सकते। बाबा साहब ने सोचा इस गौरव शून्य समाज के लिए अब एक अवसर आया है संविधान लिखने का। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य मेरे अनुकूल नहीं है, मगर यद्यपि मैंने संविधान लिख दिया तो ये समाज ताजमहल की तरह सीना ठोक के कह सकेगा मुसलमानों की तरह कि इस देश का संविधान मेरे बाप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। जो ही ये अरमान उनके दिमाग में आया, जो ही ये विचार उनके दिमाग में कौंधा, पहले जब वो संविधान लिखने के लिए मना कर चुके थे, मगर अगले दिन जब नेहरू जी का प्रतिनिधि आया तो उसको बोला कि जाओ बोल दो नेहरू जी को अब मैं तैयार हो गया हूँ, संविधान लिखूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।